नमस्कार प्राइम टाइम में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। ग्रेटर नोएडा में बीती रात दो इमारतें भरभराकर गिर पड़ी। इन इमारतों के साथ कई जिंदगियां कई सपने भी खत्म हो गए। किसी ने दो दिन पहले गृह प्रवेश के लिए पूजा कराई थी, कोई महीने भर पहले ही यहां रहने आया था, किसी ने जीवन भर की पूंजी यहां लगा दी थी और अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। ये भी अभी एहसास नहीं कि शायद जिंदगी बच गई वो ज्यादा बड़ी बात है। राहत बचाव जरूर चल रहा है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन जब आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि जिस तरह मनमानी तरीके से ये इमारतें बनाई गई, आखिर उसका जिम्मेदार सिर्फ बिल्डर क्यों हो? वो क्यों नहीं जिन्होंने वहां चल रही गड़बड़ी को नजरअंदाज किया? बीती रात जब हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि कैसे मलबे से चीख पुकार सुनाई दे रही थी, दर्द में तड़पते मदद की गुहार लगाते लोगों की आवाजें आ रही थी और आज आंखों में उम्मीद लिए कुछ आंसू लिए बेहद डरे हुए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अपनों को सलामत इस मलबे से निकलते देखें। जो भ्रष्टाचार ऐसी इमारतों को बनने देता है वो आपके लिए भी कुछ अलग नहीं होगा। देर सवेर आप भी इस भ्रष्टाचार की चपेट में आएंगे। आज वो हैं, कल आप हम कहां गिर जाएंगे ये कहना मुश्किल है। तो ऐसी हर बड़ी छोटी घटना पर ध्यान दीजिए। शाबरी में गिरी इन इमारतों से अब तक 5 शव निकाले जा चुके हैं। हमें तो सवेरे पता लगा ऐसे बिल्डिंग गिर गए। रंजीत हुई वाली तो सिर्फ पति रहते थे, बच्चे वगैरह नहीं। मेरी दोनों बच्चे मेरे साथ में है। एक तरफ भयावह मंजर तो दूसरी तरफ अपनों के बिछड़ने पर आंसुओं का सैलाब। रंजना की आंखें पति को ढूंढ रही हैं। नेहा के आंसू भी थम नहीं रहे। उसका दोस्त शिव, शिव की माँ, भाभी और भतीजी मलबे में दबे हैं। कुछ ही दिनों पहले इस परिवार ने गृह प्रवेश किया था। हमारा गृह प्रवेश पिछले सैटरडे को था, तो हम लोग सैटरडे से शिफ्ट किए थे। बाकी फैमिली आई थी, घर पर वापस चली गई थी। घर के कुछ मेंबर्स लोग यहाँ पर रह गए थे। मेरी आखिरी बात कल शाम को 9 बजे बात हुई थी, उसके बाद मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया। कोई जानकारी नहीं दे रहा है, बस सिर्फ अपना अपना पूछे जा रहे हैं, जिसको जो पूछना है बस। बाकी कोई हेल्प नहीं किसी भी तरह का। दीपिका और उसके पति सनी भागते भागते शाहबेरी गाँव पहुँचे। देखा तो उनका फ्लैट अब मलबे में तब्दील है। कुछ जमा पूंजी और बैंक के लोन की मदद से 22 लाख का फ्लैट खरीदा था और 2 दिन पहले ही पूजा करवाई थी। 3 महीने पहले हमने फ्लैट लिया, सब पैसा दे दिया, रजिस्ट्री करा ली, सब करा लिया, ऊपर से 2 लाख रुपए और लगा दिए। 22 लाख रुपए मैं दे चुकी हूँ, क्या करूँ, मैं तबाह हो गई हूँ। एक एक पाई जोड़ जोड़ के मैंने दिया इनको। सर सब लग गए, किराए पे रहते हैं, कमरे किराए पे मकान में रहते, 3 साल की बेटी है, क्या करेंगे हम आगे? कुछ नहीं बचा, बस एक जान बची है, वो भी कुछ नहीं है हमारे लिए। हादसे के बाद इलाके में रह रहे लोग अवैध निर्माण और बिल्डिंग में प्रयोग हो रही घटिया सामग्री की शिकायत का पुलिंदा लेकर पहुंचे। समय समय पर अलग अलग विभाग में उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन अगर सुनवाई हुई होती तो शायद ये मंजर न होता। हमने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच बिठाई है और 15 दिन का वक्त दिया है। जांच पूरा होने दीजिए, जो भी दोषी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। NDRF की टीम राहत और बचाव के काम में मंगलवार रात से जुटी है। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके के शाहबेरी गांव में 6 मंजिला इमारत बगल के निर्माणाधीन 6 मंजिल इमारत पर गिर गई, जिससे दोनों इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। एक में परिवार की रिहायश थी, वहीं दूसरी इमारत पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई थी। 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के उपरांत ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। FIR पुलिस द्वारा ही दर्ज कराई गई। हादसों को रोकने की कवायद कम होने के बाद जिम्मेदारी तय करने की कोशिश ज्यादा होती है। घरौंदा टूट गया, अपने छूट गए। अब कार्रवाई भी होगी, पर उन बेकसूर जिंदगियों का क्या जो किसी और की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव से राजीव रंजन के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।
और हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौके पर से। राजीव, लगातार आप दिन भर वहां मौजूद थे और इस वक्त अब क्या हालात हैं, क्या लोगों का पता चल पाया है, क्या कुछ लोग सही सलामत निकाले जा रहे हैं आसपास? निश्चित तौर पर जो उनके अपने होंगे वो अभी भी इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल, आपने कहा, लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, रोने और कराने की आवाज सुनाई दे रही है। आप अगर ठीक अगर पीछे देखें तो करीब 24 घंटा हादसा हो गया है और एनडीआरएफ की टीम जो है कल रात 11 बजे से यहाँ लगी हुई है, लगातार लगी हुई है और अभी तक जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे लोगों के बचे होने की संभावना बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अभी तक तो जानकारी मिल पा रही है कि 5 लोगों के 100 यहां से मिल पाए और देखिए लगातार सब कुछ चला जा रहा है। और उसके बाद अब एक खबर आ रही है कि जिला प्रशासन जो है इसके खिलाफ एनएसए लगाने जा रहा है, बिल्डर के खिलाफ लगाने जा रहा है और कार्रवाई करने की बात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये 6 मंजिला इमारत बनकर तैयार हुई उस वक्त प्रशासन कहाँ था, कहाँ सो रहा था? अगर उस समय चेता होता तो कम से कम ये हादसा यहाँ नहीं होता। बिल्कुल राजीव, एक चीज और बताएं, जो एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर काम कर रही है उनका क्या कहना है? किसी टीम मेंबर से आपकी बात हो पाई हो, किसी अधिकारी से? क्योंकि बताया जा रहा था कि स्निफर डॉग्स लाए जाएंगे ताकि वो पता लगा सके कि कहां पर लोग जीवित बचे हुए हैं। देखिए, एनडीआरएफ का ये कहना ये है कि हम लोग काम बेशक धीमा कर रहे हैं और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये है कि हमें मान के चल रहे कि अगर कोई लोग यहाँ जीवित बचा होगा, कहीं दब गया होगा, तो उनकी कोशिश होगी कि उन्हें जीवित सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आप अगर हमारे ठीक पीछे अगर देखें बिल्डिंग में तो एक एक करके पहले जेसीबी मशीन से निकाला जा रहा है, उसके बाद लाइट के जरिए बकायदा देखा जा रहा है कि जो वहां डेड बॉडी है या फिर कोई आदमी का सुरक्षित है, घायल है, तो उसे किसी तरह बाहर निकाला जाए। यहाँ कहना यह है कि एनडीआरएफ की टीम का बहुत दिक्कत आ रही है, इससे पहले स्निफर डॉग के जरिए बकायदा सर्च किया गया कि कहीं अगर कोई जीवित बचने की संभावना है। एक एक करके लोग निकाल रहे हैं और ये काम लगता नहीं कि आज रात को पूरा हो पाएगा। उम्मीद ये है कि कल तक जो है ये अभियान चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। और करीब 24 घंटे हो चुके हैं इस अभियान के, यानी रेस्क्यू मिशन के 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लग नहीं रहा है कि ये खत्म होने के करीब है क्योंकि 5 शव निकाले गए हैं। कितने लोग सही सलामत निकाले जाएंगे इस पे अभी भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में हमारे खास मेहमान है मिहिर गौतम, हमारे सहयोगी हैं। और जो बिल्डर्स की जो ये मनमानी होती है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं हर जगह पर, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या बाहर, उस पर खास नजर इनकी रहती है, काफी इस पर काम इन्होंने किया है। मिहिर से हम जानने की कोशिश करते हैं। मिहिर, यहां पर जो लोग मौजूद हैं वो बार बार कह रहे हैं कि खराब क्वालिटी का बनाया, हमने बार बार शिकायत की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, तो क्या कोई क्वालिटी की कोई जांच, कोई कुछ भी नहीं होता? आप देखिए, एक संस्था वहां काम करती है, निफ्वा नाम है उस संस्था का, वो बायर्स के लिए काम करती है। उनके लेटर्स देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री को 15/9/2014 को चिट्ठी लिखी है। साफ उस चिट्ठी में लिखा है, कंप्लेंट अगेंस्ट GNIDA फॉर एपैथी टुवर्ड्स क्वालिटी चेक ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ये क्लियर मेंशन है इसमें, ये इसी इलाके की बात है, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है जहां ये इमारत गिरी है, शावेरी जो इलाका है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। अभी जो हालत है, जैसे मंत्री या अधिकारी ये कह देंगे कि वो बिल्डर्स खुद से बना रहे थे, सवाल ये है कि पूरा ग्रेटर नोएडा जो है वो अथॉरिटी के अंदर में आता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां कौन निर्माण कर रहा है, किस तरह निर्माण हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने पहली बार कोई कल रात में कहा है, आप देखिए लगातार लोग कह रहे थे। ये चिट्ठी एक है जो 27/4/2015 को लिखा गया था, आलोक रंजन चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट, उनको भी ये लिखा गया था कि आप चेक करवाइए अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग में है या नहीं है। उससे पहले 2012-2013 लगातार चिट्ठियां लिखी गई और सिर्फ एक संगठन की बात नहीं है, हर जगह से लोग लिख रहे थे चिट्ठी कि वहां हालत खराब है, कोई बिल्डर ध्यान नहीं दे रहा है। अथॉरिटी ने आज तक किसी एक प्रोजेक्ट में जाकर के ये जांच किया है कि कैसे बन रहा है सारी बिल्डिंग? मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक भी बिल्डिंग की क्वालिटी चेक नहीं होती है, जो एक बार वहां पर कागज खुद दे दिया उससे आगे कुछ नहीं होता है? देखिए, अथॉरिटीज में सिर्फ सीईओ बदलते हैं, सरकार बदलेगी, सीईओ बदलेंगे, इस सरकार में भी सीईओ लगातार बदल रहे हैं, लेकिन काम करने का तरीका नहीं बदलता है। हर अथॉरिटी का यही हाल है, लोग शिकायत लेकर के जाते हैं। कादम्बिनी, आप तो लगातार देखती रहती हैं इन खबरों को,
बताइए, बिल्डिंग में प्लास्टर गिर जाता है, कभी आप सुनती हैं लिफ्ट गिर जाता है, लोग उसमें फंसे रहते हैं, ये घटनाएं लगातार हो रही हैं वहां पर, और बड़ी इमारतें भी बनी हैं और इस तरह से जो छोटी इमारतें वो भी बनी हुई है वहां पर। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये चेक नहीं करेंगे तो बिल्डर को क्या फर्क पड़ता है? ये जो बार बार जो ये घटनाएं होती है, जैसे हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा बता रहे हैं कि लिफ्ट एक्ट भी शायद वहां पर नहीं है, नहीं है, और बार बार ये घटनाएं हो रही है, हाई राइज में हो रही है, जिसमें लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कहाँ है, किस पर है? नहीं, वही है, वही बात वहां पर है, जब कोई घटना घट जाएगी पुलिस जाएगी। अभी आप सुन रहे, मैं सुन रहा था गैंगस्टर एक्ट लगाना चाहती है पुलिस। हाँ। पुलिस आज गैंगस्टर एक्ट लगा रही है, पुलिस को पहले से नहीं पता था कि वहां पर अवैध निर्माण हो रहा है, गैंगस्टर एक्ट लगा के क्यों नहीं लोगों को रोका गया उन्हें बिल्डिंग्स बनाने से? कोई दूरी का ध्यान नहीं रखा जाता है, कितनी दूरी पे दो इमारतें बनेंगी वहां पर, ये सब कुछ चल रहा है और सबको हैरानी की बात है, सबको पता है, कोई ऐसा अधिकारी नहीं होगा वहां का जिसे नहीं पता है, ये कोई छुप के तो कहीं नहीं हो रहा है कदम नहीं। आप भी उस इलाके से गुजरते हैं, हम लोग गुजरते हैं, आप देखिए वहां लगातार धड़ेले से बिल्डिंगें बन रही है। ठीक है, वैसे गैंगस्टर एक्ट नहीं, रासुका लगाया जा रहा है उनके ऊपर। लेकिन एक चीज और बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे कि रियल एस्टेट कानून बना है, कोई फर्क उससे पड़ा है? अभी तक तो कहीं कोई फर्क नहीं दिख रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत में कहीं आपको कोई फर्क ये नहीं दिखेगा अभी। और चूंकि मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा के इलाकों को मैं ज्यादा घूमता हूं, वहां तो कोई फर्क ही नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है, जिनको जैसे बिल्डिंग बनाना है बना रहे हैं, उनसे कोई पूछने नहीं आ रहा है कि आपने ये बिल्डिंग बनाई है, आपने जितने नियम है सबका पालन किया है नहीं किया है। क्वालिटी चेक करवा लीजिए ना, जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज हो रहा है ये कितना आसान है, हजारों इंजीनियर्स हैं अथॉरिटीज के पास, कुछ तो ईमानदार होंगे, उनसे करवा लें क्वालिटी चेक, पता चल जाएगा इनको कि हकीकत वहां क्या है। लेकिन जो यहाँ पर जो रासुका लगाने की बात हो रही है, वो शायद बिल्डर पर लगाएंगे, जिनकी जमीन है उन पर लगाएंगे, जिन्होंने घटिया क्वालिटी का माल सप्लाई किया शायद उन पर लगाएंगे, लेकिन जो अधिकारी हैं उन पर अभी तक कहीं कोई आंच नहीं आती है। आप देखिएगा, ये जांच होगी बोला जाएगा। हाँ। 3 महीने 6 महीने बाद आप देखिएगा, कोई एक अधिकारी जूनियर अधिकारी को पकड़ के उन्हें बता दिया जाएगा ये इसके जिम्मेदार हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले घटनाओं में हम लोग देख चुके हैं इस तरह से, जहां बिल्डिंगें गिरी हैं पहले, वहां कोई ऐसा बड़ा अधिकारी नहीं निकल के आता जिसपे ये फिक्स चार्ज किया जाए। सीओ को क्यों नहीं फिक्स किया जाता है? आप सीओ हैं, आप क्यों नहीं घूमते हैं पूरे इलाके में जाकर के? यहाँ तो पूरा एक सीओ है, यहाँ तो ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम है, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहां जाके लोग रजिस्टर कर दिया, तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का। इसका साफ मतलब यह है कि जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम जो है अंदर से खोखला है, काम नहीं कर रहा है, कहीं उसका प्रेजेंस जो है वो नजर नहीं आता है, और ये साफ तौर पर एक जिसको कह सकते हैं आउटकम है भ्रष्टाचार का, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मिहिर, बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले को एक्सप्लेन करने के लिए, और यही चल रहा है यहां पर लगातार, वो चाहे नोएडा हो या गाजियाबाद हो, हर जगह स्थिति यही बनी हुई है, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो लिखा पढ़ी हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगा, रासुका लग जाएगा, लेकिन वो भी कुछ दिन में भुला दिया जाएगा। हम इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि जैसा मिहिर ने भी बताया कि ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे उदाहरण हैं, सिर्फ बाहर नहीं बल्कि दिल्ली में भी। जैसे मान लीजिए हादसे जो है वो आए दिन होते हैं, सरकारों प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगती, ऐसे मामलों में सजा भी ठीक नहीं होती। हम बात कर रहे हैं नवंबर 2010 के पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से लगे ललिता पार्क में बड़े हादसे की। तब एक इमारत गिरने से 70 लोगों की मौत हो गई थी और 77 घायल हो गए थे। 8 साल बाद इस मामले में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर को दोषी माना है, उस पर 21,000 रुपए जुर्माना लगाकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली है। ये जूनियर इंजीनियर अब रिटायर हो चुका है, लिहाजा ये जुर्माना साल भर में उसकी पेंशन से कटेगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है कि कार्रवाई 5 अधिकारियों पर होनी थी, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, 3 अधिकारी कुछ दूसरे मामलों में पहले ही बर्खास्त हैं। ऐसे में सिर्फ इसी जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई मुमकिन थी, तो क्या ऐसी कार्रवाई को आप सजा मानेंगे? और जब तक इस तरह रफा दफा करने जैसी कार्रवाई होंगी, तब तक इमारतों के निर्माण से जुड़े महकमे अपने काम को लेकर सतर्क और जागरूक नहीं होंगे, ये बिल्कुल साफ है, और ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी।
और अब प्राइम टाइम की खबर का असर। रेलवे ने फैसला किया है कि वो उन 70,000 उम्मीदवारों को दोबारा मौका देगी जिनकी जॉब एप्लीकेशन फोटो के गलत अपलोड होने से खारिज हो गई थी। प्राइम टाइम में हमने इन उम्मीदवारों की ये शिकायत दिखाई थी। रेलवे ने इन सभी उम्मीदवारों को अपनी गलती सुधारने के लिए 18 से 20 जुलाई तक 3 दिन दिए हैं। रेलवे को असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के 26,500 पदों के लिए करीब 48 लाख आवेदन मिले थे। आवेदनों की जांच के दौरान पता चला कि इनमें से 1,33,000 आवेदन इसलिए इनवैलिड हो गए क्योंकि पिक्चर ठीक से अपलोड नहीं हुई। इनमें से 70,000 उम्मीदवारों को नए सिरे से आवेदन करने के लिए दूसरा मौका देने का फैसला किया गया, जबकि करीब 57,000 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उनके आवेदनों की समीक्षा कर उन्हें सही मान लिया गया है। ये सभी अब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की साइट पर अपनी पिक्चर फिर से अपलोड कर सकते हैं। इन सभी उम्मीदवारों को ईमेल और मैसेज के जरिए ये जानकारी भेज दी गई है। रेलवे के डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी राजेश दत्त वाजपेयी ने ये जानकारी दी। रेलवे ने मार्च से अप्रैल तक 1,10,000 खाली पदों को भरने के लिए वैकेंसी जारी की है जिनके लिए 2,27,00,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। वैसे कुछ लोको पायलट की जो हालत है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये इतने कमजोर हो गए हैं, ये आप तस्वीरों में देखिए, ये इतने कमजोर हो गए हैं कि इन्हें उठाकर इंजन से बाहर और फिर नीचे लाया जा रहा है। ये कमजोर क्यों हुए? क्योंकि ये भूख हड़ताल पर हैं और साथ ही अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, यानी इन दिनों भूखे पेट रेल चला रहे हैं। ऐसे करीब 1,00,000 लोको पायलट सरकार से नाराज हैं। उनके संगठन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का 17 जुलाई से आंदोलन चल रहा है। इसके तहत देश के सभी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड भूख हड़ताल पर हैं। लोको पायलट अनशन पर रहते हुए अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। ऐसे में कई लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है और 2 लोको पायलटों की मौत भी हो चुकी है। देश में करीब 1,00,000 लोको पायलट हैं। रेलवे के अंदर बाकी विभागों में 1 जुलाई 2017 से ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने लगा है, लेकिन लोको पायलट और गार्ड को निश्चित ट्रैवलिंग अलाउंस की जगह दूरी के हिसाब से ये अलाउंस मिलता है। लोको पायलट को 2.52 रुपए मिलता है, जबकि असिस्टेंट लोको पायलट को 1.80 रुपया प्रति किलोमीटर ये अलाउंस मिलता है। ये लोग रोज कम से कम 120 किलोमीटर यात्रा करते हैं और उसके बाद ही इस अलाउंस के योग्य होते हैं। लोको पायलटों का कहना है कि उन्हें 2.52 रुपए प्रति किलोमीटर की जगह 7.52 रुपए प्रति किलोमीटर अलाउंस दिया जाए। यही नहीं, पेंशन को लेकर भी उनकी शिकायतें हैं। 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू हो गया। उनका कहना है कि 2016 से पहले जो लोग रिटायर हुए और उसके बाद जो रिटायर हुए उनके पेंशन में काफी अंतर है। ये लोग इस अंतर को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। नेशनल पेंशन स्कीम को भी खत्म करने की उनकी मांग। जो हमारी मुख्य मांगे हैं और बहुत ही लंबित हैं, बहुत समय से हमें मांगों के पीछे कई सारे विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और मेमोरेंडम वगैरह, ज्ञापन वगैरह हर स्तर पर दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं जा रही। इसीलिए केंद्रीय कार्यकारिणी ने CWC की मीटिंग में निर्णय लिया और पूरे राष्ट्र में 48 घंटे की भूख उपस्थित कार्यक्रम रखा, जिसकी प्रमुख मांग है हमारी माइलेज दर, जो रनिंग स्टाफ की जो माइलेज दर है उसको RAC 1980 के फॉर्मूले से जो है शीघ्र निर्धारित किया जाए, क्योंकि जहाँ एक नॉन रनिंग स्टाफ 1.5 साल से जो है नए भत्तों का सातवें वेतन आयोग के अनुसार शीघ्र घोषित भत्तों का जो है लाभ उठा रहा है, वहीं रनिंग स्टाफ जो है आज भी अपने भत्तों को पाने के लिए जूझ रहा है, सही निर्णय की घोषणा की इंतजार कर रहा है। दूसरी मांग, RB 13/2018 में जो आदेश रेलवे बोर्ड ने भारत के गैजेट की और DOPT के आदेशों की अवहेलना करते हुए निकाले हैं रनिंग स्टाफ के विरुद्ध, ये उसका स्वतः व्यवहार है, उसको उस विसंगति को शीघ्र सुधारा जाए, शीघ्र सुधार कर उसको सही किया जाए। और अब बात हम कर रहे हैं पंजाब की। नशा पंजाब को बर्बाद कर रहा है, वहां की पूरी एक पीढ़ी नशे की शिकार हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने नशे के सौदागरों के लिए मौत की सजा का प्रावधान तक पास कर दिया, लेकिन क्या इतने भर से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? ड्रग्स को लेकर पंजाब जिस बुरे दौर से गुजर रहा है वो तभी हुआ जब नेताओं, अफसरों, ड्रग तस्करों ने हाथ मिला लिए। बिना इसके नशा इतना फैल ही नहीं सकता था। पंजाब में अब थोड़ी बहुत सख्ती हो रही है तो नशा करना महंगा होता जा रहा है, लेकिन इसका भी तोड़ निकल रहा है। नशा करने वाले अब दिल्ली से ड्रग्स लेकर जा रहे हैं जहां ये सस्ता मिल रहा है, और ये हो ही नहीं सकता कि सरकार को इसका पता ना हो। तो क्यों ऐसा होने दिया जा रहा है?
मोहाली के फेज 6 में 25 साल के ये नौजवान पंजाब में ड्रग्स की लत के बदलते चेहरे को बयां करते हैं। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਠੀਕ ਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ इन लड़कों के हिसाब से एक ग्राम हीरोइन जो पहले पंजाब में करीब 1500 से 2000 के दाम पर मिलता था, अब वो बढ़कर 5000 रुपए हो गया है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अब दिल्ली आ रहे हैं जहां उनके हिसाब से एक बार्गेन मिल सकता है। पिछले हफ्ते गए थे जी, हम जी 8-9 बंदे हैं जी, तो सारे ने मिला के उत्थे तो 26000 रुपए का सामान लेकर आए जी। उत्तर नगर से लेकर आए जी, प्रिंस नाम का मुंडा जी उत्थे एक, उस तो लेकर आए हाफसी है जी। कमी की वजह साफ नहीं है, लेकिन देश के ड्रग्स नियंत्रण ब्यूरो की जब्ती के आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब में हीरोइन की जब्ती में 2013 से लेकर अब तक करीब 41% की गिरावट आई है। इसका श्रेय पंजाब सरकार लेना चाहेगी कि ये सब ड्रग्स को रोकने के लिए उसकी बनाई हुई स्पेशल टास्क फोर्स का नतीजा है जो ड्रग्स को पंजाब में आने से रोक रही है। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो हीरोइन की जब्ती में इससे पहले भी गिरावट आने लगी थी। वजह जो भी हो, ये बात बार बार सामने आ रही है कि अब दिल्ली सस्ते हीरोइन का नया गढ़ बन चुका है। चंडीगढ़ में हम जिन नौजवानों से मिले, उन्होंने अपने दिल्ली के सप्लायर का पता दिया। एक नाइजीरियन जो प्रिंस के नाम से जाना जाता है और दिल्ली के उत्तम नगर के इलाके में अपना कारोबार करता है। हमने उसका पता लगाया और उससे मुलाकात तय हो गई। जिस दरवाजे पर हमें वो ले गया, वहाँ पर खटखटाने पर एक छोटी सी खिड़की खुलती है। पैसे मांगने के लिए हाथ बाहर आता है और फिर दो पैकेट दिए जाते हैं, लेकिन हमें हीरोइन नहीं, कुछ टैबलेट्स और हशीश मिलती है। यार कोई और नहीं है? हमने प्रिंस से कहा कि हमें इससे ज्यादा कुछ चाहिए, जैसे हीरोइन। और दे दे कोई अच्छी सी। उसने कहा ये भी वही काम करेगा। हमारे जोर देने पर उसे थोड़ा शक हुआ और उसने हमें बाद में आने को कहा। प्रिंस ने दोबारा हमारा फोन तो नहीं उठाया, लेकिन ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो बताता है कि कैसे दिल्ली में कितनी आसानी से ड्रग्स अवेलेबल हैं अगर आप सिर्फ सही इंसान को जानते हैं। शायद इसी वजह से अब उत्तम नगर के जो कस्टमर्स हैं वो पंजाब तक फैल चुके हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ सोनल मेहरोत्रा कपूर, NDTV इंडिया।